नमस्कार दोस्तों, जदयू के एक वरिष्ठ नेता के निधन के बाद क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड अंतर्गत दहितत्व माधोपुर पश्चिमी पंचायत के भिट्टी सलेमपुर गांव निवासी जनता दल यू के वरिष्ठ नेता एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश संयुक्त सचिव स्वर्गीय संतोष कुमार प्रभाकर का निधन लंबी बीमारी के कारण दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में हो गया। वे अपने पूरे जीवन को समाज में समर्पित कर दिए। वह किसी भी प्रकार के संवैधानिक पदों पर नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन पर्यंत क्षेत्र में अनेक सामाजिक कार्य किए। वह एक निडर और निष्पक्ष व्यक्ति थे। वह हमेशा जनता के हितों को लेकर अनेकों आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनशन एवं जन जागरूकता कार्य से जुड़े रहे। स्वर्गीय संतोष प्रभाकर मधुबनी जिला के पंडोल क्षेत्र का एक लोकप्रिय नेता थे। राजनीति में हुए अपना आदर्श नेता नीतीश कुमार को ही मानते थे। लगातार समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के एक अच्छे और सच्चे सिपाही की तरह कार्य करते रहे। वहीं श्री प्रभाकर ने अनेकों सांसद, विधायक, मुखिया, जिला पार्षद एवं विधान पार्षद को चुनाव में मदद कर जीत दिलाने का काम भी किए। अपने निजी हित के लिए किसी के पास नहीं गए और वे अपने छात्र जीवन से ही जीवन में राजनीतिक कार्यक्रमों का हिस्सा लेते रहे। कभी भी वह किसी पद का लालसा नहीं रखते थे, इसलिए वह कभी भी चुनाव नहीं लड़े, परंतु हमेशा लोगों की चुनाव में मदद करते रहे। स्वर्गीय प्रभाकर के बीमार हो जाने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अंत में पार्टी और सरकार को चाहिए कि उनके परिवार के लोगों को आर्थिक मदद करें और स्वर्गीय प्रभाकर अपने पीछे एक दो वर्ष की पुत्र एवं पत्नी को छोड़कर जगह जगह शोक सभाएं की जा रही है। उनके पैतृक गांव भित्ती सलेमपुर गांव में लोगों ने शोक सभा मौन धारण करके किए उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा को शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की, जिसमें मधुबनी जिला के शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री शंकर कुमार पासवान, कैलाश पासवान, मंजनू पासवान, मनोज कुमार झा, हेमचंद्र झा, तिरुपति कामती, दीपक कुमार शाह, वीरेंद्र शाह, चौपाल राम, इकबाल पासवान, पल्लव कुमार, मदन पासवान, सरोज कुमार पासवान।